नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रखर और आज हम लोग चर्चा करेंगे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में। जानेंगे कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि हमारे हाथ और पैर इतने इतने ठंडे अगर बन रहते हैं, बर्फ़ जैसे ठंडे रहते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण होता है, कौन कौन सी बीमारियों में ऐसे साइंस आपको देखने को मिलते हैं और आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए या आराम के लिए, और कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो इन सभी सिम्टम्स को, इन सभी बीमारियों को कवर करती हैं और आपको पूरी तरीके से ठीक करने में सहायता प्रदान करती हैं। दोस्तों तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर प्रखर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों जो पर्सन चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों कोल्ड एक्सट्रीमिटीज़, अगर हम ठंडी जगहों पर जाते हैं और उसकी वजह से हमारे हाथ और पैर ठंडे हो रहे हैं और उसके बाद अगर हम गर्म सिकाई कर रहे हैं या अपने वेदर को चेंज कर रहे हैं, उसके बाद हाथ और पैर नॉर्मल हो जा रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जा रहे हैं, तो ऐसी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये जनरल चीज़ होती है। बट अगर आपके हाथ और पैर परमानेंट ठंडे बने रहते हैं, ठंड में जाने से हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, उसके बाद आप वार्म क्लोथिंग कर रहे हैं, हाथ और पैर को सेक रहे हैं, रजाई में रखे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके पैर और हाथ गर्म नहीं होते, ठंडे बने रहते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर चर्चा करते हैं। दोस्तों पहली कारण जो है, कॉज है दोस्तों अनीमिया। अगर आपको अनीमिया यानी कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आपके हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का जो लेवल होता है हीमोग्लोबिन में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाथ और पैर ठंडे होने लगते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों, तो रेनॉइड्स डिजीज़ या रेनॉइड्स फिनोमेना भी इसको बोलते हैं। इसमें हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें स्पैज़म आने लगता है, जिसकी वजह से हमारे हाथ और पैर की उंगलियों में या हाथ और पैर आधे आधे लगभग इतने ठंडापन रखता है, कुछ सुई ऐसी चुभती हैं और साथ में कभी कभी नमनस भी फील हो सकती है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीजेस। अगर आपको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ है यानी कि आपको एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी आर्टरीज के में ब्लॉकेज थोड़ा सा स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। इसकी वजह से जब सर्कुलेशन नहीं होता है तो हाथ और पैर जो है थोड़े से ठंडे बने रहते हैं, ऐसे में ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल का लेवल मेंटेन होता है, तो ट्रीटमेंट जो है उसके अनुसार होता है। दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों, तो अगर आपको स्मोकिंग करते हैं आप बहुत ज़्यादा, और स्मोकिंग करने से हमारी जो वेसल्स होती हैं उसमें नैरोइंग आने लगती है, जिसकी वजह से भी आपके हाथ और पैर ठंडे हो सकते हैं। नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों, तो अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो अंडर एक्टिव होती है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, तो इस कंडीशन में भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगता है, इसमें हाथ और पैर ठंडे फील होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कारण की बात करें दोस्तों, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर भी लो रहता है यानी कि हाइपोटेंशन की दिक्कत है, तो आपके हाथ पैर ढीले ढीले फील होंगे, कमजोरी बहुत ज़्यादा लगेगी और ठंडापन पैरों में और हाथों में लग सकता है। दोस्तों तो दोस्तों ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से हाथ और पैर ठंडे बने रहते हैं। ट्रीटमेंट भी दोस्तों इनके अनुसार ही होता है। अब आपको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने चाहिए उस पर डिपेंड जो चीज़ें हैं उस पर बात करते हैं। अगर आपके हाथ पैर ठंडे बने रहते हैं तो आप अवॉइड करें ठंडी जगहों पर जाना, और साथ में वार्म क्लोथिंग पहन करके हाथों में दस्ताने पहने अच्छे से गर्म, और पैरों में मोजे पहने, पैरों को प्रॉपर तरीके से रेगुलर सिकाई करते रहें। डाइट में अपनी अच्छा खाना खाएं, हेल्दी चीज़ें खाएं, न्यूट्रिशन डाइट लें, विटामिन ज़्यादा लें, और जो बाहर की फास्ट फूड होते हैं उसको थोड़ा अवॉइड करें या कोशिश करें बिल्कुल बंद कर दें। नेक्स्ट दोस्तों बात करें, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बना रहता है, किसी भी कारण के वजह से स्ट्रेस बना रहता है, तो अपने स्ट्रेस को कैसे भी करके मैनेज करें, योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, तो आपकी ये समस्या धीमे धीमे ठीक होगी मेडिसिन के साथ में। अब बात करते हैं इनकी कुछ मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन दोस्तों सिर्फ नॉलेज पर्पज से है, कोई भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी है। जब भी आपको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो आप नियम में अपने डॉक्टर को दिखा कर ही सलाह लेकर ही मेडिसिन को खाएं। वैसे मेडिसिन ये जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक जनरल मेडिसिन है जिसमें ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो मैंने कारण बताए हैं अभी, दवाइयाँ जो हैं कारण के बेसिस पे अलग अलग होती हैं। क्या कारण है, अगर अनीमिया है तो मेडिसिन उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मेडिसिन का सिलेक्शन उसके हिसाब से होगा, पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हो रही है तो मेडिसिन का सिलेक्शन उसके हिसाब से होगा। हर मेडिसिन का जो है कारण अलग अलग होता है, तो उसके हिसाब से मेडिसिन होती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पहले जनरल मेडिसिन के बारे में। तो दोस्तों है कार्बोवेज,
कार्बोवेज बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है, जिससे अगर आपके हाथ और पैर ढीले पड़ रहे हैं या आपको बीपी आपका लो हो जाता है, हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, बॉडी कोलैप्स होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। आपके बीपी को मेंटेन करती है और आपके हाथ और पैर ठंडे अगर बने रह रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करती है और आपको हेल्दी बना देती है। दोस्तों इस मेडिसिन को आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो मेनियंथस एक पर्टिकुलर मेडिसिन है। इसमें हाथ और पैर एकदम बर्फ़ के जैसे ठंडे बने रहते हैं। मेनियंथस को आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें दोस्तों तो कैल्केरिया कार्प में पैर और हाथ जो है वो ठंडे बने रहते हैं। कैल्केरिया कार्प का जो पेशेंट होता है दोस्तों थोड़ा सा हेल्दी होता है, मोटा होता है, फैटी होता है, थोड़ा सा गोरा होता है और उसको बॉडी में सर से पसीना जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। अगर ऐसी सभी कंडीशन आपको मिल रही हैं, हाथ पर ठंडे रह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कैल्केरिया कार्प भी आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है और आप इसको लगभग 30 पावर में दिन में 3 बार लेंगे तो रिजल्ट आपको अच्छे देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं दोस्तों तो वो है साइलिशिया। साइलिशिया में पेशेंट के पैर जो है एकदम बर्फ़ के जैसे ठंडे बने रहते हैं और साथ में पसीना आता है उसमें। अगर आपको देखने को मिल रहा है पसीना आ रहा है और पैर ठंडे बने रह रहे हैं, पेशेंट जो है पतला दुबला सा है और न्यूट्रिशन उसका जो है वो डिफेक्टिव रहता है, न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से नहीं होता है और साइलिशिया के पेशेंट के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, अगर ये सभी सिम्टम आपको देखने को मिल रहे हैं तो आपकी ड्रग ऑफ द चॉइस साइलिशिया हो सकती है। साइलिशिया को 30 पावर में आप सुबह दोपहर शाम यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन दोस्तों है वो है विरेक्टम एल्बम। विरेक्टम एल्बम कोलैप्स कंडीशन में दी जाती है, जब बॉडी पूरी कोलैप्स हो जाए और हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ने लगें, माथे से ठंडा पसीना निकले, ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर माथे से ठंडा पसीना आ रहा है, बॉडी पूरी ढीली पड़ गई है, तो ऐसी कंडीशन में विरेक्टम एल्बम बहुत ही अच्छा काम करती है। विरेक्टम एल्बम को आप 30 पावर में सुबह दोपहर शाम रेगुलर यूज़ करेंगे या आप एक्यूट कंडीशन तुरंत हुई है तो उस कंडीशन में आप 10-15 मिनट पे 3-4 बार देंगे तो आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और पेशेंट तुरंत ही बेटर फील करने लगता है। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन थी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी और अगर आपको वीडियो चाहिए है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अब नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ।